हज फॉर्म में तब्दीली के मामले की सेनेट में बात कर सफरुल हक ने कहा हज फॉर्म से खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हल्फनामा निकाला गया और दोबारा शामिल किया गया, जिसने भी ये हरकत की उसे सामने लाया जाए। नूरुल हक कादरी बोले अकीदा खत्म नबूवत ऑपोजिशन और हुकूमत दोनों के ईमान का हिस्सा है। खत्म नबूवत का हल्फनामा ओरिजिनल फॉर्म पर मौजूद है। बिलावल भुट्टो का लाहौर में तकरीब से खिताब, बोले मजदूरों के लिए सबको मेहनत करना पड़ेगी, पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया भर के मजदूरों को हौसला दिखाना पड़ेगा, दुनिया भर के मजदूरों के लिए नई लेबर पॉलिसी लाना होगी, मजदूरों के लिए कम से कम तनख्वाह तय की जानी चाहिए ताकि घर का खर्च चला सके। गुज़श्ता 6 बरसों के निस्बत मौजूदा माली साल में तरक्याती अखराजात के इस्तेमाल में रिकॉर्ड इजाफा। वफाकी वज़ीर असद उमर का कहना है मौजूदा माली साल के पहले 8 माह में तरक्याती अखराजात का इस्तेमाल 39% रहा। माजी में इस दौरानी में फंड्स का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा 32% था। 200 से ज्यादा तरक्याती मनसूबों के लिए 700 अरब रुपए से ज्यादा PSDP फंड खर्च हुआ, जो गुज़श्ता 6 बरसों में सबसे ज्यादा तनासुब है। नवाज शरीफ का बैरून मुल्क जाना गलत था तो ये गलत बयानी किसने की? रहनुमा मुसद्दिक मलिक कहते हैं वजीर सेहत पंजाब ने खुद कहा नवाज शरीफ सेहत की संगीन सूरत हाल से गुजर रहे हैं। काबीना ने फैसला किया नवाज शरीफ का बाहर जाना बहुत जरूरी है। अब कहा जा रहा है लंदन में इलाज नहीं कराया तो नवाज शरीफ लंदन के डॉक्टर से इलाज करा रहे हैं। राना सना कहते हैं बरतानवी हुकूमत को लिखे खत पर कोई एक्शन नहीं होने जा रहा। खारिया में पाकिस्तान आर्मी के तहत इंटरनेशनल टीम स्पिरिट मुकाबले खत्म। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की इख्तितामी तकरीब में शिरकत। ISPR के मुताबिक मुकाबलों में 62 घंटे में 25 फील्ड इवेंट्स हुए। महदूद वक्त में मुख्तलिफ महारतों की जांच की गई। आर्मी चीफ ने मुकाबलों के कामयाब इनेकाद पर शुरका को मुबारकबाद दी, कहा मुकाबलों में शरीक मुल्कों की अफवाज के दरमियान रब्त बेहतर होगा। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस गुलजार अहमद की जेर सदारत इस्लामाबाद में जुडिशल कमीशन का इजलास। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी को सुप्रीम कोर्ट का जज तैनात करने की सिफारिश कर दी। इस्लामाबाद का मेयर यहाँ कम लंदन में ज्यादा होता है। शहर में लाकानूनियत और बैड गवर्नेंस है। माहौलियाती आलूदगी से मुतालिक अज खुद नोटिस की समाप्त में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, कहा मास्टर प्लान बदलने की इजाजत दी तो एक हफ्ते में मारगला की पहाड़ियां गायब हो जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन CDA और मेयर इस्लामाबाद को कल तलब कर लिया। शहर को आलूदगी से पाक करने का रोड मैप भी तलब। सेनेट की कायमा कमेटी बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी का इजलास। ब्रीफिंग के दौरान हुक्काम ने बताया कि गंदम की इमदादी कीमत 1,365 रुपए फी मन मुकर्रर होगी। चेयरमैन कमेटी ने गंदम की फी मन कीमत 1,500 रुपए करने का मुतालबा कर दिया। कहा 1,365 बहुत कम है, कीमत 1,500 रुपए फी मन होनी चाहिए। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश। चकवाल में झालाबारी, मुल्तान, बहावलपुर, साहिवाल, टोबा टैक्सिंग में बादल खूब बरसे। अटक, मानसहरा, पेशावर में भी बारिश। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। TSL मैचेस बारिश से मुतासर होने का खदशा। पिंडी स्टेडियम में शेड्यूल पेशावर जलमी और कोटा ग्लैडिएटर्स के प्रैक्टिस सेशन मंसूख। ईरान और चीन से आने वाले अफराद और उनके अहले खाना PSL के मैच देखने ना आए। सिंध हुकूमत की शायकीन क्रिकेट से दरख्वास्त। कराची में मैचों के इनाकाद और इंतजामात के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी राबता। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से पेशावर जलमी के वफ्द की मुलाकात। वफ्द में जावेद आफरीदी, डेरन सैमी, हाशिम आमला और हेड कोच मोहम्मद अकरम शामिल। वज़ीर-ए-आज़म ने डेरन सैमी की पाकिस्तान में क्रिकेट बहाली के किरदार को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने PSL को कामयाब करार दे दिया, कहा PSL ने पाकिस्तान में क्रिकेट की रौनकें बहाल कर दी। और पाकिस्तान सुपर लीग का मेला आज फिर होगा सुपर मुकाबला। कजाफी स्टेडियम में लाहौर कलंदर्स का इस्लामाबाद यूनाइटेड से होगा आमना सामना।
मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। लाहौर कलंदर्स कल जैसी कारकर्दगी दोहराने के लिए पुरअज, यूनाइटेड पॉइंट्स टेबल पर पोजीशन मुस्तहकम करने की ख्वाहां, शाकिन क्रिकेट पुरजोश। प्योरा कहते हैं और इसका आसान नाम यह है कि उनके प्लेटलेट्स गिर रहे थे और उस वक्त उनके प्लेटलेट्स जो थे वो तकरीबन 16,000 पे आ चुके थे। ये हुकूमत की रिपोर्ट थी, ये डॉक्टर अदनान की रिपोर्ट नहीं थी, जो हुकूमत ने दी, उस बोर्ड ने दी। उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब को गालिबन 24 और 25 की रात को हार्ट अटैक हुआ। ये दूसरा हार्ट अटैक था जो गवर्नमेंट कस्टडी के अंदर मियां नवाज शरीफ साहब को हुआ। पहला जेल में हार्ट अटैक हुआ, दूसरा सर्विसेज अस्पताल में जहां पे वो जेल में थे, जो हुकूमत की कस्टडी में थे, हुकूमत के बोर्ड के अंडर थे, वहां पर उनको दूसरा हार्ट अटैक हुआ। अब आप मुझे ये बताइए कि बोर्ड बनाया हुकूमत ने, डॉक्टर ताहिर शमसी को जो नेशनल इंस्टीट्यूट जो बोन मैरो और ब्लड के हेड हैं उनको अपॉइंट किया हुकूमत ने, शौकत खानम अस्पताल के जो सीईओ हैं, जो जाती दोस्त भी हैं इमरान खान साहब ने, इमरान खान साहब ने खुद उनको भेजा, उन्होंने जाके वहां पे टेस्ट करवाए और मुआयना किया नवाज शरीफ साहब का, किसने भेजा? हुकूमत ने। पूरी जो पंजाब हुकूमत की मशीनरी थी वो तमाम मशीनरी लगी डायग्नोसिस करने के लिए नवाज शरीफ साहब का, किस कौन थी वो? पंजाब हुकूमत। पंजाब हुकूमत की वजीर सेहत ने बारहा प्रेस कॉन्फ्रेंसिस की, आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंसिस की और यह कहा कि इनको बड़ी शदीद हमें तश्वीश है कि ये ज्यादा संगीन सेहत की सूरत हाल से गुजर रहे हैं और इस वक्त इनका इलाज करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है, इन्हें बाहर जाना चाहिए। फिर आप ये बताइए ये फैसला कि उन्हें बाहर जाना है या नहीं जाना है, ये किसने किया? काबीना ने किया। किसकी काबीना थी? किसी और मुल्क की काबीना थी? पाकिस्तान की काबीना ने फैसला किया उन तमाम रिपोर्ट्स को देखते हुए कि उनका बाहर जाना उनकी जिंदगी बचाने के लिए बेहद जरूरी है। और काबीना को गारंटी किसने की? वजीर आजम पाकिस्तान ने काबीना को गारंटी दी कि मैंने कोई स्टोन अनटर्न नहीं छोड़ा, वजीर से लेके, सेक्रेटरी से लेके, अस्पतालों के डॉक्टर से लेके, बोर्ड से लेके, आगा खान अस्पताल से लेके, सेंटर से लेके, मेरा जाती जो दोस्त है जो शौकत खानम को हेड करता है वहां तक मैंने हर कोई स्टोन अनटर्न नहीं छोड़ा। और मैं आज इस काबीना को गारंटी करता हूं कि नवाज शरीफ साहब का बाहर जाना जो है बहुत ज्यादा जरूरी। तो अब आप मुझे बताइए कि आप अगर ये हुकूमत कह रही है कि ये सब गलत था तो ये गलत बयानी किसने की है? इसका जिम्मेदार कौन है? क्या एक मुल्क जो एटमी मुल्क हो वहां पे आप किसी शख्स को वजीर आजम बना सकते हैं जहां पे हर वक्त जंग का समा हो, हमारा ईस्टर्न बॉर्डर भी जल रहा हो, हमारा वेस्टर्न बॉर्डर भी जल रहा हो और आप सारे मुल्क की मशीनरी लगा के ये पता ना करवा सकें कि एक शख्स बीमार है या नहीं? अगर खुदा ना खास्ता कल जंग हो गई और आपने कुछ गलत फैसला कर लिया तो आप अवाम को यही कहेंगे कि मुझे तो गलत रिपोर्ट्स मिली थी, ये कहेंगे आप? इस तरह एक न्यूक्लियर जिम्मेदार मुल्क जो है वो क्या इस तरह चलता है? क्या उसको इस तरह चलना चाहिए? ये है वो मुकदमा जो हम आपके सामने आज पेश करना चाहते हैं। फिर हमें कहा गया कि भाई आप वहां पर गए, आपने अभी तक इलाज नहीं करवाया, तो मैं जरा कुछ तफसीलात आपके सामने पेश कर दूं। अभी तक मियां नवाज शरीफ साहब नवंबर से, जब से हुकूमत ने फैसला करके उनको बाहर भेजा, अब तक गाइज एंड सेंट थॉमसेस हस्पताल में अपना इलाज करवा चुके हैं, अपना डायग्नोसिस करवा चुके हैं, रॉयल ब्रॉम्पटन हस्पताल में करवा चुके हैं, लंदन ब्रिज हॉस्पिटल में करवा चुके हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन हॉस्पिटल UCL हॉस्पिटल में करवा चुके हैं, हैमर स्मिथ हॉस्पिटल में करवा चुके हैं और उसके अलावा स्विट्जरलैंड से और अमेरिका से डॉक्टर्स ने आके उनका मुआयना किया है। ये वो डॉक्टर हैं, याद रहे, जो पहले भी उनका इलाज करते रहे हैं। ये अभी तक हमारी चीज़ें, हमारे वो तमाम हस्पताल हैं जहां पे वो जेरे इलाज डायग्नोसिस के लिए आ चुके हैं अभी तक, जिसका हुकूमत रोज ठट्ठा लगाती है। अब डायग्नोसिस उनका क्या है?
उनको क्रिटिकल हार्ट कंडीशन यानी संगीन उनको दिल की तकलीफ है, दिल का आर्जा है। आप लोगों को मालूम है कि उनको 2 मरतबा हार्ट अटैक हो चुके हैं और 7 स्टेंट्स उनको डल चुके हैं, उनमें से 1 स्टेंट कलैप्स हो चुका है और 1 उनके हार्ट के हिस्से में इस वक्त जो ब्लड सप्लाई है वो सिर्फ 22% है, जिसके नतीजे में एंजाइना होता है, यानी जब वो चलते हैं, जब वो सांस लेते हैं, जरा सी एक्सर्शन करते हैं तो उनके दिल में दर्द शुरू हो जाता है, क्योंकि दिल को धड़कने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए वो ऑक्सीजन इस वक्त उनको फराहम नहीं हो रही।